प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने में नाकाम साबित हो रही है। बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस सिर्फ प्रदेश में क्राइम ग्राफ को कम करने के दावे का दम भर रही है। जिला अमेठी के गौरीकंज इलाके में बदमाशों ने सरेआम पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह के पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को गोली मारकर करीब 4.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। सरे बाजार हुई गोलीकांड और लूट की वारदात से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लूट की इस वारदात को लेकर पेट्रोल पंप कारोबारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले के सभी पेट्रोल पंप को बंद कर दिए हैं। हम सभी गौरीगंज कस्बे के, आज तो अभी केवल गौरीगंज कस्बे के जो हमारे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के साथी हैं, पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, रजन पांडे जी हैं, राजकुमार जी हैं, सारे 6-7 जो पंप के साथी हैं, सब लोगों ने आज पंप पे बिक्री बंद कर दी इस घटना को देखते हुए। और अभी कप्तान महोदय से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर ऐसे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि गौरीगंज के पूर्व विधायक मंत्री रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता जंग बहादुर सिंह की ब्रिजमोहन ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप अमेठी रायबरेली सुल्तानपुर राजमार्ग पर है। पेट्रोल पंप के मैनेजर पारसनाथ वर्मा अपने सहयोगी के साथ सुबह करीब 10:15 बजे स्टेट बैंक गौरीगंज में करीब 4.5 लाख कैश जमा कराने जा रहे थे। अभी वो पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि 3 बाइक सवार बदमाशों ने उनसे रुपयों से भरा बैग छीनने लगे, जिसके दौरान बदमाशों ने मैनेजर को गोली मार दी और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पंप से निकले स्टेट बैंक के लिए लोधी बाबा नाला के पास पहुंचे, 3 अपाचे से आर्मी पहुंचे, ओवरटेक किए, ओवरटेक करने के बाद चाबी निकाल ली, चाबी निकालने के बाद पैसा छीनने लगे तो मारपीट हुई और इधर उधर आदमी आके खड़े भी हो गए, फिर भी कोई सुना नहीं। लूट की घटना हुई और उसी के दौरान बदमाशों के द्वारा फायरिंग भी की गई। 2 लोग इसमें बाइक सवार थे जो अपना पैसा पेट्रोल पंप से लेके जा रहे थे और जो लूट की घटना कारित करने वाले लोग हैं वो एक अपाचे से 3 लड़के थे जिनके द्वारा घटना की गई। हुलिया के आधार पर इनके आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया जा रहा है और इनके जो भी रूट वहां से हो सकते हैं निकलने के उनको भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस दिन दहाड़े हुई लूट कांड का पुलिस पता लगाने में कितना वक्त लगाती है। वहीं सवाल ये भी है कि क्या अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच पाएंगे या हमेशा की तरह बदमाशों के आगे प्रदेश की पुलिस पस्त नजर आएगी। अमेठी से ब्यूरो रिपोर्ट, 9 फुट। सच्चाई वही जो हम बताएं।